लालिकॉम मैं आज बनाने वाली हूँ बादाम मिल्क शेक। आप चीज़ें नोट कर लें। यह आधा लीटर दूध है, दो ग्लास के करीब। यह आधा कप शक्कर है। ये ज़ाफ़रान है, ऑप्शनल है। और यहाँ पे मैंने 25 ग्राम बादाम ली हूँ। इसको मैं बॉईल करूँगी अभी और इसके छिलटे निकाल के इसका पेस्ट बनाऊँगी। जब तक बादाम बॉईल हो रहे हैं तब तक मैं अपना यहाँ दूध गर्म कर लूँगी। आप शक्कर अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं दूध बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। दूध को हमें अच्छी तरह से बॉईल करके थोड़ा इसको रिड्यूस करना है, थोड़ा कम करना है हमको बॉईल करके। ये देखिए बादाम बॉईल हो चुके हैं। अब इसके छिलटे निकाल के मैं ये जार में इसका पेस्ट बनाऊंगी। ये देखिए मैंने बादाम को इसमें डाल दी हूँ जार में। दूध को बॉईल आ रहा है, मैं अभी इसको गैस लो कर दूंगी। अब मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी। ये देखिए इसमें मैंने थोड़ा दूध डाल दी हूँ पेस्ट बनाने के लिए। अब मैं इसको अच्छी तरह से पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए दूध थोड़ा कम हो गया है, गाढ़ा भी हो रहा है इस स्टेज पे। अब मैं अपनी शक्कर ऐड करूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको और थोड़ा गाढ़ा बनाएंगे हम। ये बहुत ही हेल्दी है ड्रिंक। आप अपने बच्चों को भी ऐसे भी बना के दे सकते हैं। वैसे भी बादाम ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, दिमाग के लिए, जहनी चीज़ के लिए। तो आप बच्चों को ऐसे भी बना के दे सकते हैं। इसको हम और अब गाढ़ा करेंगे। ये देखिए पेस्ट बन चुका है। अब मैं इसमें दूध में डालूंगी। अच्छी तरह से इसको पकाऊंगी मैं। थोड़ा सा ज़ाफ़रान भी डालूंगी इसके अंदर में। ये देखिए मैंने ज़ाफ़रान ऐड कर दी हूँ इसके अंदर। इसको हम अच्छी तरह से और 5-10 मिनट पकाएंगे। ये देखिए बादाम मिल्क शेक बनके तैयार है। आप चाहे तो इसको गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं, या तो आप इसको चिल्ड करके भी सर्व कर सकते हैं। अब मैं इसको सर्व करूँगी। देखिए ये सर्व हो चुका है। अगर आपको मेरी ये बादाम मिल्क शेक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।